किसी जिंदा शख्स से वो चीजें डिमांड करेगा जिसका वो अहल ही नहीं है? इम्पॉसिबल। कितनी बुनियादी बात है। बस ये सारी नेमतों के एवज में तुमसे एक बात मांग रहा हूं। हेलो जी, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनाब पंजाबी रियल टीवी। मैं तुहाडा दोस्त अनमीत सिंह। सो अज आपां अली मिर्जा साहब की एक वीडियो देखनी है। मेरे ख्याल तुसी शायद दूजी या तीजी उन्होंने जी वीडियो मेरे नाल देखने लगे हो। सो अज की जी वीडियो का टाइटल हैगा वो हैगा तुम जानते हो इंजीनियर अली मिर्जा साहब। देखते हैं कि अज की वीडियो दे विच इह की बयान देंदे। कई लोगों को यह पसंद नहीं गए क्योंकि यह जिवें जिहड़े पखंडवाद लोग करते हैं ना, वहम भरम करते हैं, उन्होंने ये कढ़ते हैं तो वो करके लोग इन्हों पसंद नहीं करते। पर ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं, मतलब वही इमरान खान वाला साहब आ। नहीं 50-50 नहीं है, ज़्यादा पसंद करते हैं। हाँ बस 70-30 वही चक्कर है इमरान खान वाला। आज की वीडियो देखते हैं जी, आ जाओ। तो जिस अल्लाह ने ये सारी नेमतें दी हैं, उसने ज़मीन को रहने के काबिल बनाया, आसमान को तुम्हारे लिए मजबूत छत बनाया, तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए आसमान से पानी नाजिल फरमा के ज़मीन में से नबातात उगाए, इसके ज़रिए तुम्हारा ये फूड साइकिल चलता है सारे का सारा। सब कुछ ज़मीन से ही आ रहा है, चाहे वो जानवरों की खुराक हो, चाहे पौधों की खुराक हो, चाहे हमारी खुराक हो। ज़मीन मर जाए तो सारी मखलूकात मर जाए। तो अल्लाह फरमाता है जिसने ये सब कुछ किया है, फला तजअलू लिल्लाहि अंदादं व अंतुम तअलमून, फिर अल्लाह के साथ कोई मद्दे मुकाबल न ठहराओ और तुम जानते तो हो, तुम जानते तो हो कि ये क्वालिटीज किसी और की है ही नहीं है। ये तौहीद तो तुम्हारे अंदर मौजूद है कि अल्लाह के मद्दे मुकाबल कोई नहीं ठहराया जा सकता। मुझे बताएं, कुरान इस स्टार्ट में जो तौहीद बयान हुई है, इस तौहीद को पढ़ लेने के बाद वो किसी बाबे को पुकारेगा, किसी मरे हुए शख्स को पुकारेगा, किसी जिंदा शख्स से वो चीजें डिमांड करेगा जिसका वो अहल ही नहीं है? इम्पॉसिबल। कितनी बुनियादी बात है। बस ये सारी नेमतों के एवज में तुमसे एक बात मांग रहा हूं, फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, बस मत बनाओ अल्लाह के साथ किसी और को मद्दे मुकाबल निद के तौर पर। वह तुम तालमून, और तुम जानते तो हो कि कोई है ही नहीं ऐसा कि जिसे बनाया जाए मद्दे मुकाबल, कौन हो सकता है? यही निद का लफ्ज है जो हदीस के अंदर आया है, जो अल अदबुल मुफरिद में सही सनद के साथ है और मुस्नद इमाम अहमद में भी है। एक सहाबी ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सामने कह दिया, या रसूल अल्लाह माशाअल्लाह व शिक्ता, जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहे। आप फरमाए अजअलतनी लिल्लाही निद्दा, ये वही अल्फाज, क्या तूने मुझे अल्लाह के मद्दे मुकाबले खड़ा कर दिया? कुल बल माशाअल्लाह वहदा, बल्कि कह जो अकेला अल्लाह चाहे। अच्छा, उसने आगे से नहीं आर्गुमेंट किया कि या रसूल अल्लाह मैं आपको अल्लाह का बंदा ही मान रहा हूं, अल्लाह का रसूल ही मान रहा हूं, मैंने आपको कोई अल्लाह मान के नहीं कहा, मैंने आपको कोई मुस्तकिल बिजात नहीं माना, मैंने आपको जो है वो अताई मान के ही बात की है, जाती मान के बात नहीं। ये सारियां कहानियां जिहड़ी मौलवियों ने पढ़ाईया ने उस जमाने नहीं सुनाउंदियां। तो यही निद का लफ्ज वहां पर भी इस्तेमाल हुआ है, अल्लाह के साथ निद न ठहराओ। वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़लना अला अब्दिना, और अगर तुम्हें ये शक हो, कोई शक हो उस चीज के बारे में जो हमने अपने बंदे पर नाजिल की है, यानी कुरान। ये कुरान जो अल्लाह की किताब है, जो नबी अलैहिस्सलाम का वाहिद मौजजा है, जिसकी बुनियाद पे दावे नबूवत है, इस बारे में अगर तुम्हें कोई शक हो कि ये किताब इन्होंने खुद घड़ ली है या ये किताब अल्लाह की तरफ से नहीं है, कोई इंसानी कोशिश है, फातू बिसूरत मिन मिथली, तो तुम भी कोई इससे मिलती जुलती एक सूरत ही बना के ले आओ। वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, और बुला लो मदद के लिए अपने जितने हमायती हैं अल्लाह के सिवा। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, अल्लाह के सिवा जितनों को बुलाना है तुम बुला लो जिन्नों, बल्कि सूरह बनी इसराइल में तो आता है कि सारे जिन्नों इंस भी मिलके अगर इस तरह की कोई किताब बनाना चाहें तो किताब नहीं बना सकेंगे। अच्छा, ये कुरान हकीम में मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ यानी चैलेंजेस आए हैं।
सूरह हूद के अंदर भी, सूरह यूनुस में भी, सूरह हूद के अंदर तो 10 सूरतों का जिक्र है कि 10 सूरतें बना के ले आओ अगर बना सकते हो। सूरह यूनुस में है कि एक सूरत इससे मिलती जुलती को बना के ले आओ। फ़इल्लम तफ़अलू, और पस अगर तुम ऐसा ना कर सको, वलन तफ़अलू और तुम हरगिज ऐसा नहीं कर सकोगे। अल्लाह तआला ने इस पे अपना ओपिनियन भी दे दिया है कि यकीनन तुम कर भी नहीं पाओगे। फत्तकुन नार अल्लती वकूदुहन नास वल हिजारा, तो डरो उस आग से जिसका ईंधन आदमी और पत्थर बनने वाले हैं। उइद्दत लिल काफिरीन, जो अल्लाह ने तैयार करके रखी है इनकार करने वालों के लिए। अच्छा, ये काफिरून का तर्जुमा या मुस्लिमून का तर्जुमा जो है ना, वो हम उमूमन तो कर रहे होते हैं मुसलमान और काफिर। असल जो तर्जुमा है ना मोमिनून का या मुस्लिमून का, सर तस्लीम खम करने वाले, बात मानने वाले, और काफिर वो हैं जो बात नहीं मानने वाले। कोई मुसलमान भी काफिर हो सकता है और कोई काफिर भी मुसलमान हो सकता है कि कोई सही बात मान ले। वो एक तो वो टर्म वाला ईमान है ना, जो हम एज ए इस्तला इस्तेमाल करते हैं, जो कलमा पढ़ ले और वो 5 बुनियादी चीजों पे चले। लफ्जी तर्जमा ये है कि ना मानने वालों के लिए, इनकार करने वालों के लिए, कुफर कहते हैं इनकार करने को, ना शुक्री करने को। अल्लाह तआला ने आग तैयार कर रखी है जिसका ईंधन आदमी, इंसान और पत्थर है। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिर। ओके जी, सो ये आई एक वीडियो जिदे इन्हों का जो मेन पॉइंट से ना, वो ये कि आप रब के बराबर किसी को दर्जा नहीं देना, तो ना ही कदे दे सकते हैं, क्योंकि कोई इदा का शख्स है नहीं। कहें भी कुरान के चैलेंज दिता गया रब वालों ही कि तुम कोई भी इदा की कोई आयत जी लिख के दिखा दो, मतलब जो कुरान के लिखे है ना। तो मेरे ख्याल बिल्कुल सही गल कही है, क्योंकि अजक तो ए ना ही तो कोई इंसान है जिन्हों का मेरे ख्याल दिमाग इन्ना काम करता हो जेडे वो इदा की कोई चीज़ लिख सकन। तो वैसे तो यह चलो कहते ही है कि जो कुरान है वह अल्लाह के वलों ही भेजी हुई किताब है, किसी इंसान ने नहीं लिखी, ठीक है। यह इस्लाम के मनना है। तो पर यह गल जिमें हम कोई गुरु ग्रंथ साहब आ, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी है, जेकर आप कही कि वह कोई अजक लिख के दिखा दे तो मेरे ख्याल वह भी नहीं बंदा कोई लिख पाऊगा, क्योंकि इनिया डिटेलिंग इन्नी डीपली उन्होंने एक वर्ड के मतलब विच पता नहीं किनिया किनिया गल्लां कह देंदे आ वो। कई कबरां नूं पूजदे आ, कबरां नूं पूजदे आ जिहड़े उन्हां तों मंगदे आ, जिवें इन्हां ने स्टार्टिंग च कहा कि कुरान दे विच वी लिखिआ है कि एक मरे होए बंदे तों तुसीं की लै सकदे हो, जां जिहड़े बाबिआं तों बाबिआं कोल जाके जिहड़े मंगदे आ वी, उह जिहड़ा बाबा खुद नहीं तुहानूं कुछ दे सकदा है ना, वह आपदे आप नूं नहीं कुछ दे सकदा, तो वह तुहानूं की दऊगा। जिन्हें भी बाबे होंदे जिन्हां कोलों तुसीं कहिंदे आ कि साडा वीज़ा लग जाए बाहर दा, सानूं पुत मिल जाए, साडीआं कोठियां कारां बन जाण, साडे घरों कलेश मुक जाए, मेरी नूंह वस च हो जाए, मेरी सस वस च हो जाए, इदां दीआं लोकी लै के जांदे आ चीज़ां। हद होई पई है, आह कुछ करदे आ दस। तो यही गल समझाई गई है हर एक धार्मिक ग्रंथ दे विच। हालांकि चलो आपां सारे धार्मिक ग्रंथ पढ़े नहीं गे, पर इन्ना क तो आप सोच सकते हैं ना कि उन्होंने घट्टो घट्ट आह गल तो लिखी होगी ना कि कोई भी बंदा हंकार ना करे, कोई लालच ना करे है ना, कोई भी बंदा किसी मोह माया च ना फसे, आह चीज़ा तो सारे धर्म ही कहें होंगे। तो बस उन्होंने ही आप निकलना यार, उ इंसानियत का जो सब तो व्डा धर्म है, तो चंगे काम करने। हाँ कोई भी हो सकता है, क्योंकि असल में लोग ज़्यादातर की कहते हैं कि जेडे बंदे मुसलमान नहीं है उन्होंने काफर कहा जाता है, ठीक है, कि जेडे एक रब में यकीन नहीं रखते। पर जिवें अज की वीडियो इन्होंने कहा ना कि जेडे लोग जेडे मुसलमान भी काफर हो सकते हैं जेडे उदी बंदगी वेच एक वेच यकीन नहीं रखते। हुण जेड़ा बंदा मुसलमान हो के शिरक करी जांदा, कबरां नूं पूजी जांदा, दरगाहां ते मत्थे टेकदा, चादरां चढ़ाउंदा, उहदे ते जाके दुआवां मंगदा, उह काफर नहीं है, उहनूं तुसीं मुसलमान किद्दां कह लोगे? मुसलमान का जो असल अर्थ है, जेकर तुसीं उहदे ते जस्टिफाई नहीं कर रहे तो तुसीं पक्के मुसलमान किद्दां होगे? तुसीं भी तां काफर हो, है ना। तो जेड़ा बंदा कोई सिख आ, जेकर उह मन रहा कि रब एक आ,
ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹੀ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਾਫਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ, ਜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਰੱਬ ਇੱਕ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਇੱਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਜਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪੱਕੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਈਏ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਸਾਰ ਆ, ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿਤੋਂ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵੋਇਜਰ ਵਗੈਰਾ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ, ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਧਰਤੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਸੀ, 65 ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਡਾਇਨਾਸੋਰਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਜੋ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰੋਇਡ ਆ ਕੇ ਟਕਰਾਇਆ ਸੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਇਨਾਸੋਰ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰਾਈਡਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਧਰ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਡਾਇਨਾਸੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, 65, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਰਾਮਿਡਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਉਹ ਸਬੂਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਚਲੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਟੋਪਿਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।